जय श्री केदार। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी जो है आ रही है आज। तो इस खुशखबरी के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, जो चारधाम यात्रा है उससे पूर्ण रूप से रोक जो भी लगी हुई थी वो हट चुकी है। अब आप सभी यात्री जो है यात्रा कर सकते हैं। और देवस्थनम बोर्ड की जो वेबसाइट बनी थी जिसपे कि आपको ई पास का रजिस्ट्रेशन हो रहा था चारधाम यात्रा का, वो पूर्ण रूप से अब कैंसिल हो चुका है। तो आपको देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना ये है कि चारधाम यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी वाला जो पोर्टल है उत्तराखंड का, स्मार्ट सिटी देहरादून .uk.gov.in पे, वहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है बस। और हाँ, साथ में जो आपको यात्रा करते समय रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी RT-PCR, अगर आपके पास वैक्सीनेशन आपका डबल नहीं हुआ है तो। और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो उसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यात्रियों के लिए और जो भी भक्तगण थे उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जो भी बाहर से लोग आए हुए थे वो वापस जा रहे थे उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जो भी लोग हमारे यात्रा नहीं कर पाए थे तो उन सबको भी मैं निवेदन करता हूँ कि अब आप आकर के आराम से यात्रा कीजिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री केदार, हर हर महादेव।